Hello everyone, welcome to my YouTube channel Learning Mania. आज हम करने जा रहे हैं क्लास 11 स्नैपशॉट्स का चैप्टर 2, जिसका नाम है द एड्रेस, रिटन बाय मार्गम. ये जो चैप्टर है, बिफोर बिगनिंग दिस आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग अबाउट दिस, के दिस इज अ स्टोरी, यू नो दिस इज अ टचिंग अकाउंट ऑफ अ गर्ल who goes in search of her mother's belongings after the Second World War in Holland. But even after finding what she so much wanted to touch, to see, to feel and remember, she leaves everything behind as it could not bring her dead mother back. She decides to move on and live with only memories of her former times. क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को पता है कि वॉर जो होते हैं, these are harmful for everyone. वो किसी के लिए भी अच्छे नहीं होते. चाहे वो कोई ऐसा देश हो उसमें इन्वॉल्व जो बहुत सुपर पावर है, या कोई इंफीरियर पावर का कोई है देश, तो सभी के लिए हार्मफुल होता है. बेसिकली ज्यादा हार्मफुल होता है वो वहाँ के सिटीजन्स के लिए, वहाँ के नेटिव्स के लिए. तो ये कहानी है, ये इम्पैक्ट है वो पोस्ट वॉर और प्री वॉर जो एक कहानी चली है मार्गा मिनको की लाइफ में, ऑथर की लाइफ में, वहां पर उससे रिलेटेड ये एक्सपीरियंस उन्होंने शो किया है. और मोस्ट ऑफ अवर स्टोरी अगर आप पढ़ोगे, मोस्ट ऑफ अवर स्टोरीज वहाँ पर ये जो सर्वाइवल एक जो इंस्टिंक्ट होती है, जो स्ट्रगल था उनका सर्वाइवल के लिए, वो कहानी, वो जो टच है वो आपको उनकी स्टोरीज में पढ़ने को मिलेगा. तो यहाँ जान लेते हैं पहले थोड़ा सा मार्गा मिनको के बारे में. मार्गा मिनको वॉज बॉर्न टू एन ऑर्थोडॉक्स जूश फैमिली ऑन 31 मार्च 1920. शी वॉज द यंगेस्ट चाइल्ड इन द फैमिली. Following the German invasion of the Netherlands in May 1940, her parents were forced by the German occupiers to move into the city's Jewish quarter. Later, Minko's parents, her brother and her sister were all deported. Marga Minko was the only member of her immediate family to survive. यहाँ बताया है कि वो एक Orthodox family से belong करती थी जो कि Jewish थी. और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया था वो हिटलर के द्वारा इन ज्यूइश फैमिलीज को ही पहुंचाया गया था. आप लोगों ने पढ़ा भी होगा अपना हिस्ट्री बुक्स में कि कंसंट्रेशन कैंप्स पर उनको डाल दिया जाता था. ठीक है, वो सबसे बड़ा दुश्मन वो अपना ज्यूइश को मानता था. तो नीदरलैंड से है बेसिकली. मिनको इज वन ऑफ द नीदरलैंड्स मोस्ट पॉपुलर राइटर्स एंड जर्नलिस्ट. वो सिर्फ राइटर ही नहीं है, जर्नलिस्ट भी है. Her books revealed what Dutch Jews faced once the Germans invaded the country in May 1940. What they were forced to do in order to survive and how a survivor needed to come to terms with the past following liberation in April 1945. तो ये वो कहानी है जिसमें आप देखेंगे कि ड्यूरिंग वॉर उन लोगों को क्या करने के लिए फोर्स किया गया था, और फिर पोस्ट वॉर जब वो वॉर खत्म हुआ, उन्हें लिबरेशन मिल भी गया, तब भी उन्हें किन किन चीजों का सामना करना पड़ा, किन मुसीबत. Do you still know me? I asked. अब यहाँ कहानी शुरू होती है कि अब जैसे आप देख ही सकते हैं कि पहला सेंटेंस जो इसमें ये पूछा जा रहा है, क्या आप मुझे जानती हैं? तो इट मीन्स राइटर एक किसी ऐसी पर्सनालिटी से, किसी ऐसे पर्सन से बात कर रही है जिसके अकॉर्डिंग, जो उसके अकॉर्डिंग उसके क्वांटिटी का कोई जानकार है. लेकिन लेट्स सी क्या वो उसे पहचानती है या नहीं. उसे पूछा, क्या आप मुझे पहचानते हो? The woman looked at me searchingly. She had opened the door a chink. और उस औरत ने मेरी तरफ देखा और मतलब मुझे ध्यान से देख रही थी. और ओपन द डोर अ चिंक मीन्स उन्होंने थोड़ा सा एक नैरो ओपनिंग डोर की वहां पर शो की. I came closer and stood on the step. मैं थोड़ी सी आगे गई, उनके पास गई और स्टेप पर खड़ी हो गई. नो आई डोंट नो. और उस औरत ने, उस लेडी ने सीधा जवाब दे दिया कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानती. I am Mrs. S's daughter. She had her hand on the door as though she wanted to prevent it opening any further. तो यहाँ नरेटर ने जवाब दिया कि मैं मिसेस एस की डॉटर हूँ. और वो औरत उस दरवाजे पर इस तरीके से हाथ रखकर खड़ी थी जैसे कि वो नहीं चाहती थी कि दरवाजा इससे ज्यादा ओपन हो. जो नैरो ओपनिंग थी वो उसको ज्यादा वाइड करना नहीं चाहती थी. Her face gave absolutely no sign of recognition. और उसके फेस को देखकर साफ पता चल रहा था कि शायद वो मुझे पहचान ही नहीं रही, क्योंकि क्लियर था उनके एक्सप्रेशन से. She kept staring at me in silence. वो चुपचाप मुझे साइलेंस में घूरती रही. Perhaps I was mistaken, I thought. फिर मुझे लगा कि शायद मैं ही गलती कर रही हूँ. Perhaps it isn't her. हो सकता है शायद ये वो ना हो.
आई हैड सीन हर ओनली वंस फ्लीटिंगली, क्योंकि मैंने उनको सिर्फ एक ही बार देखा था, वो भी उड़ती हुई नजर से, एंड दैट वॉज इयर्स अगो, और वो भी बहुत सालों पहले की बात. इट वॉज मोस्ट प्रोबेबल दैट आई हैड रंग द रॉन्ग बेल, और ये मुमकिन था कि मैंने गलत बेल बजा दी. द वुमन लेट गो ऑफ द डोर एंड स्टेप टू द साइड, और वो उस औरत ने दरवाजा खोला और थोड़ा सा, और वो थोड़ा सा पीछे की तरफ हो गई, साइड में हो गई. She was wearing my mother's green knitted cardigan, और वो मेरी माँ का ग्रीन हाथ से बना हुआ कार्डिगन पहने हुए थे. The wooden buttons were rather pale from washing, और जो उसके wooden buttons लगे हुए थे वो बार बार washing की वजह से fade हो गए थे उसका कलर. She saw that I was looking at the cardigan and half hid herself again behind the door. और अब उसने देख लिया था कि मैं उसकी कार्डिगन की तरफ देख रही थी, तो उसने अपने आप को हाफ, लगभग हाफ अपने आप को दरवाजे के पीछे छुपा लिया. बट आई न्यू नाउ दैट आई वॉज राइट, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया था कि मैं गलती नहीं कर रही थी, मैं ठीक थी. वेल यू न्यू माई मदर, तो मैंने उससे पूछा, यार किस मतलब आप मेरी मदर को जानती थी. हैव यू कम बैक, सेड द वुमन, फिर उस औरत ने जब ये उसको भी एहसास हुआ कि इसने पहचान लिया है, तो उसने उसको पूछा कि क्या तुम लोग वापस आ गए. आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक, ओनली मी, और मुझे लगा था कि कोई भी वापस नहीं आएगा, सिर्फ, तो नरेटर ने जवाब दिया, सिर्फ मैं. अ डोर ओपन क्लोज इन द पैसेज बिहाइंड हर, अब उसके पीछे पैसेज में एक दरवाजा खुला और उसके पीछे ही बंद हो गया. अ मस्टी स्मेल इमर्ज, और उसमें से बड़ी मतलब जैसे सीलन की स्मेल होती है वैसी स्मेल आई. I regret I cannot do anything for you. और फिर वो कहने लगी कि मैं आपसे एक्सक्यूज चाहती हूँ कि मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकती. I have come here specially on the train. I wanted to talk to you for a moment. और फिर नरेटर ने उसको कहा, मैं आप ट्रेन से स्पेशली आपसे मिलने के लिए यहाँ पर आई हूँ, मैं आपसे थोड़ी देर बात करना चाहती हूँ. It is not convenient for me now, said the woman. उस औरत ने कहा, मेरे पास अभी समय नहीं है. I can't see you, मैं आपसे नहीं मिल सकती, another time, फिर कभी आना. She nodded and cautiously closed the door as though no one inside the house should be disturbed. और उसने गर्दन हिलाई और कहा कि फिर किसी टाइम आना, और उसने दरवाजे को इतना ध्यान से बंद किया, इतना साइलेंटली बंद किया, केयरफुली होकर, कि उसकी आवाज ना आए और कोई भी घर के अंदर डिस्टर्ब ना हो सके. I stood where I was on the step, और मैं वही खड़ी रही स्टेप पर जहां मैं थी. The curtain in front of the bay window moved. और जो सामने की एक बे विंडो होती है, इट्स अ लार्ज विंडो स्टिकिंग आउट ऑफ द वॉल ऑफ अ हाउस, जो घर से बाहर की तरफ होती है, घर के बाहर की दीवार, तो वहां वो बे विंडो ओपन हुई, वहां पर उसमें एक कर्टन था, वो थोड़ा सा हिला. समवन स्टेयर्ड एट मी एंड वुड देन हैव आस्क्ड व्हाट आई वांटेड, किसी ने मुझे वहां से देखा था और शायद पूछा था कि मुझे क्या चाहिए. ओ नथिंग, द वुमन वुड हैव सेड इट वॉज नथिंग, और उस औरत ने जवाब दिया कि कुछ नहीं, वो कुछ नहीं था. I looked at the nameplate again. मैंने दोबारा से nameplate की तरफ देखा. Darling, it said in black letters on white enamel. और वहाँ पर वो white और black उसपे जो words थे, black letters थे, और जो white board था जिसके ऊपर वो लिखे हुए थे शब्द. And on the jamb a bit higher the number. और jamb मतलब door post. वहाँ पर उसे थोड़ा सा ऊपर वो door post थी, उसपे number लिखा हुआ था number 46. As I walked slowly back to the station, I thought about my mother. Who had given me the address years ago. और अब मैं वापस स्टेशन की तरफ जाने लगी, और उस समय मेरे दिमाग में अपनी माँ की बातें चल रही थी, जिन्होंने ये एड्रेस मुझे कई साल पहले दिया था. It had been in the first half of the war. और ये उस समय की बात है जब वॉर शुरू हुआ था, तो उसका फर्स्ट हाफ टाइम चल रहा था. I was home for a few days and struck me immediately that something or other about the rooms had changed. मैं अपने घर आई थी थोड़े दिन के लिए, और तभी मुझे चीज स्टक की इमीडिएटली देखकर चीजों को, कि वहां पर कुछ बदलाव हो गया. ऑब्वियसली हम किसी जिन चीजों के यूज टू होते हैं, और उन चीजों में थोड़ा सा भी चेंज आ जाए, उनको उनकी जगह बदल दी जाए, उन चीजों को रिप्लेस कर दिया जाए, तो हम नोटिस कर लेते हैं. तो ऐसे ही ऑथर ने भी उनको नोटिस किया. आई मिस्ड वेरियस थिंग्स, मुझे बहुत सारी चीजें मिसिंग लगी. माई मदर वॉज सरप्राइज आई शुड हैव नोटिस सो क्विकली, और मेरी मदर बड़ी सरप्राइज हुई कि मैंने इतनी जल्दी नोटिस कर लिया था वो. Then she told me about Mrs. Darling. फिर उन्होंने मुझे Mrs. Darling के बारे में बताया. I had never heard of her, but apparently she was an old acquaintance of my mother.
मैंने उनके बारे में पहले कभी मैं नहीं सुना था, लेकिन माँ की बातों से लग रहा था कि वो मदर की पुरानी जानकार थी, होम शी हैडंट सीन फॉर इयर्स, ऐसी जानकार जो कई सालों से उनसे नहीं मिली थी. She had suddenly turned up and renewed their contact. Since then she had come regularly. और अब अचानक से उन्होंने अपना वो कॉन्टेक्ट रिन्यू कर लिया था, वो मिलने आ रही थी और अब वो रेगुलर हो गई थी उनकी विजिट हमारे घर. Every time she leaves here, she takes something home with her, said my mother. और फिर उसकी मदर ने उसको बताया कि जब भी वो यहाँ से जाती हैं, अपने साथ कुछ ना कुछ सामान ले जाती है. She took all the table silver in one go. और फिर उन्हें बताया कि टेबल सिल्वर मतलब जितनी भी कटलरी थी हमारे टेबल की, जो कि सिल्वर की थी, चांदी की थी, वो एक ही बार में ले गई थी. एंड देन द एंटीक प्लेट दैट हंग देयर, उसके बाद वो एंटीक प्लेट्स जो कि दरवाजा वो कहते हैं दीवार पर टंगी हुई थी. एंटीक मीन्स इट्स अ कलेक्टेबल ऑब्जेक्ट, मतलब बेसिकली ओल्ड एंशियंट टाइम का होता है, उनको हम एंटीक कहते हैं. She had trouble like those large vases and I am worried she got a crick in her back from the crockery. My mother shook her head pityingly. अब मेरी मदर ने, मुझे लगा उनकी मदर उस औरत के बारे में बताती है कि, और उसके बाद जब वो दोबारा आई तो वो बड़े बड़े जो लार्ज वासेस थे हमारे उनको उठाकर ले गई, तो वो इतने हैवी थे कि उनको कैरी करने में भी बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी और मुझे तो डर था कि उनको उनकी कमर में स्ट्रेन ना आ जाए, क्रिक का मतलब स्ट्रेन ना आ जाए कि इतनी भारी क्रॉकरी वो लेकर जा रही है. और इसके बाद मेरी जो माँ थी उन्होंने बड़ा ही दया खाते हुए उन पिटिंग ली के बेचारी औरत हमारे लिए सब कर रही थी सर हिलाया. आई वुड नेवर have dared ask her, और मेरी कभी भी उनसे हिम्मत नहीं हुई है पूछने की. She suggested it to me herself. उसने मुझे ये अपने आप ही बताया. She even insisted she wanted to save all my nice things. और उन्होंने ये भी कहा कि वो, बल्कि मिसेज जो डॉलिंग थी उन्होंने ही उसकी माँ को इंसिस्ट किया कि आप अपनी ये सारी चीजें जो है मेरे पास रख दीजिए. If we have to leave here, we shall lose everything, she says. और उसने कहा कि अगर हमें यहाँ से जाना पड़ेगा, क्योंकि वॉर टाइम चल रहा था और बीइंग ज्यूइश इनको डर था कि इनको कभी भी देश से निकाला जा सकता है या कोई अटैक हो सकता है जिससे इन्हें अपना देश छोड़कर जाना पड़े. तो कहती है मिसेस डॉलिंग ने मुझे कन्विंस किया कि अगर हमें अचानक से देश छोड़ना पड़ा, यहाँ से जाना पड़ा, तो वो हमारी सारी चीज़ों को संभाल के रखेंगे, अदरवाइज हम ये सब चीज़ें लूज कर देंगे, खो देंगे. हैव यू अग्रीड विद हर दैट शी शुड कीप एवरीथिंग, आई आस्क्ड. फिर मैंने अपनी माँ से पूछा, और क्या आप उनकी इन बातों से अग्री हो गई कि वो हमारी सारी चीजें अपने साथ रख लें. As if that's necessary, my mother cried. फिर मेरी मदर ने चिल्लाकर कहा, हाँ बिल्कुल ये जरूरी भी था. It would simply be an insult to talk like that. अगर मैं उनसे ऐसी बात करती तो उनकी इंसल्ट होती इस तरीके से. And think about the risk she was running. और देखो सोचो कि वो किस तरीके का रिस्क उठा रही थी हमारे लिए. Each time she goes out of our door with a full suitcase or bag. क्योंकि जब भी वो कभी बाहर जाती थी घर से, तो हर बार कोई ना कोई सूटकेस या बैग लेके जाती थी. और उन्हें भी रिस्क था, एक तो उनको अपनी यू नो बॉडी का फिजिकल उनको स्ट्रेन हो सकता था कोई, या फिर कोई उन्हें देख लेता कि वो हमारी हेल्प कर रही है, तो भी उनके लिए रिस्की हो सकता था. माई मदर सीम टू नोटिस दैट आई वॉज नॉट एंटायरली कन्विंस्ड. मेरी मदर को समझ आ गया था कि मैं उनकी बातों से पूरी तरह से कन्विंस नहीं थी. She looked at me reprovingly and after that we spoke no more about it. और फिर उन्होंने मुझे बड़ा एक disapproval वाली एक look दी और उसके बाद हमने इसके लिए कभी इस बारे में कभी भी बात नहीं की. Meanwhile, I had arrived at the station without having paid much attention to things on the way. और इसी समय during मेरी ये बातें जब मैं सोच रही थी, स्टेशन की तरफ आ रही थी, मैं स्टेशन पर पहुंच चुकी थी और रास्ते में मैंने किसी भी चीज की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया. I was walking in familiar places again for the first time since the war. But I did not want to go further than was necessary. कहते हैं मैं यहाँ पर उन फेमिलियर जगह पर, यानी कि जहाँ पर उनका बचपन बीता, जहाँ पर वो रहती थी, इन फेमिलियर प्लेसेस पर वो फर्स्ट टाइम आ रही थी आफ्टर वॉर, जब से वॉर ओवर हुआ था, क्योंकि उन्हें कभी जरूरत ही नहीं लगी कि यहाँ पर आने का की कोई नीड भी है. I didn't want to upset myself with the sight of streets and houses full of memories from a precious time. और क्यों नहीं लगी उन्हें इसकी जरूरत, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो उन्हीं स्ट्रीट्स की साइट को, उन घर,
उस घर को देखें जो कि फुल ऑफ मेमोरीज है, और वो मेमोरीज जो उनकी मदर के साथ जुड़ी हैं स्पेसिफिकली, और अब लाइक हर मदर इज नो मोर, तो वो उन सारी मेमोरीज को रिकॉल करके अपने आप को अपसेट नहीं करना चाहिए. इन द ट्रेन बैक आई सॉ मिसेस डार्लिंग इन फ्रंट ऑफ मी अगेन एज आई हैड द फर्स्ट टाइम आई मेट हर. और वहाँ ट्रेन में बैठते ही मेरी आंखों के सामने मिसेस डार्लिंग, जब मैं उनसे पहली बार मिली थी, जिस तरीके से वो मेरे सामने आई थी, वो सारा सीन मेरे आंखों के सामने रिक्रिएट हुआ. It was the morning after the day my mother had told me about her. और ये एक दिन बाद सुबह की बात है, जिस दिन मेरी माँ ने मुझे उनके बारे में बताया था, वो अगली सुबह आई. I had got up late and coming downwards. मैं उस दिन थोड़ा लेट सोकर उठी थी, नीचे आ रही थी. I saw my mother about to see someone out. तभी मैंने देखा मेरी मदर किसी को see off कर रही थी. A woman with a broad back. एक ऐसी औरत जो बहुत broad back थी, मतलब it means she was, you know, quite heavy. There is my daughter, said my mother. She beckoned to me. और फिर मेरी तरफ देखते हुए मेरी मदर ने कहा कि देखिए वो मेरी बेटी है, और उन्होंने मुझे beckoned, मतलब मुझे कॉल भी किया. The woman nodded and picked up the suitcase under the coat rack. औरत ने गर्दन हिलाई वहां मुझे देखकर, फिर अपना वो जो सूटकेस था वो कोट रैक के पास जो रखा था उसको उठा लिया. She wore a brown coat and a shapeless hat. उन्होंने एक ब्राउन कोट पहन रखा था, एक बड़ी शेपलेस हैट पहन रखी थी. Does she live far away? I asked. मैंने पूछा क्या वो कहीं दूर रहती हैं? Seeing the difficulty she had going out of the house with the heavy case, क्योंकि मैं समझ सकती थी कि उन्हें वो बड़ा वो सूट केस था, वो बहुत हैवी था, उसको उठाते हुए ले जाते हुए उनको दिक्कत हो रही थी. तो मैंने पूछा कि क्या वो कहीं दूर रहती हैं? In Marconi Street, said my mother, number 46, remember. और फिर मेरी मदर ने, वो समय था जब मुझे उनके एड्रेस के बारे में बताया था कि वो मार्कोनी स्ट्रीट में रहती हैं और उनके घर का एड्रेस है नंबर 46, और तुम्हें ये याद रखना. आई हैड रिमेम्बर्ड इट, और जैसा मेरी माँ ने कहा था मैंने वो याद रखा. बट आई हैड वेटेड अ लॉन्ग टाइम टू गो देयर, लेकिन यहाँ जाने के लिए, इस एड्रेस पर जाने के लिए मैंने बड़े लंबे समय तक इंतजार किया. Initially, after the liberation, I was absolutely not interested in all that stored stuff, and naturally, I was also rather afraid of it. क्योंकि वो बताती है basically तो आजादी के बाद, liberation के बाद, मैं बिल्कुल भी interested नहीं थी उन सभी जोड़ी हुई संभाल कर रखी हुई चीजों को देखने के लिए, क्योंकि ये natural भी था, क्योंकि मुझे उन सब चीजों को देखते हुए डर लग रहा था. और वो डर किस चीज का था? Afraid of being confronted with things that had belong to a connection that no longer existed. वो कहते हैं डर था मुझे confront होने का, ऐसी चीजों के सामने जाने का, face करने का जो कि उससे belong करती थी जिससे मेरा strong connection था, यानी उनकी माँ. वो सारी चीजें उनकी माँ से, माँ के थी जितनी भी belongings थी वो, that no longer exist. और आप जैसा कि उनकी माँ नहीं है तो वो connection जब exist ही नहीं करता तो क्यों वो उन चीजों को देखकर, वो अपने जो प्रीशियस मेमोरीज हैं उनके मदर के साथ की, उनको रिकॉल करके अपसेट नहीं होना चाहते थे, उन चीजों का डर था. विच वर हिडन अवे इन कबर्ड्स एंड बॉक्सेस एंड वेटिंग इन वेन अंटिल दे वर पुट बैक इन देयर प्लेस अगेन. उन चीजों को वो दोबारा देखना नहीं चाहती थी जो काफी समय से कुछ कबर्ड्स में, बॉक्सेस में बंद है और यूं ही इंतजार कर रही है कि कोई आए और उन्हें वापस उनकी जगह रख दे. विच हैड एंडोर्ड ऑल दोज इयर्स बिकॉज दे वर थिंग्स, और एंडोर्ड में सर्वाइव, और वो सारी चीजें अभी तक इसलिए जिंदा थी क्योंकि वो चीजें थी, वो थिंग्स थी. बट ग्रेजुअली एवरीथिंग बिकेम मोर नॉर्मल अगेन, लेकिन धीरे धीरे चीजें सब नॉर्मल हो गई. ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी अ लाइटर कलर, देयर वॉज अ बेड यू कुड स्लीप इन अनथ्रेटेड, अ रूम विद अ व्यू यू वर मोर यूज टू ग्लैंसिंग एट ईच डे. वो कहते हैं ब्रेड पहले से लाइटर कलर की मिल गई थी, यानी कि यहाँ दो मतलब हो सकते हैं कि शायद ब्रेड का कलर पहले ज्यादा डार्क ब्राउन था, अब लाइट हो गया था. दूसरा ये कि जो लिविंग अर्न करने का तरीका था लोगों का, अब वो इतना हार्ड वर्किंग, इतना डिफिकल्ट नहीं रह गया था जितना कि ड्यूरिंग वॉर था. और अब वो कहती हैं कि उनके पास एक बेड था जिसमें वो बिना किसी डर के सो सकती थी, एक कमरा था जिसमें, जिसके बाहर वो ग्लांस कर सकती थी रोज बिना किसी डर के. And one day I noticed I was curious about all the possessions that must still be at that address.
और एक दिन अचानक मैंने नोटिस किया कि मैं मुझे उत्सुकता हो रही थी उन सभी पोजेशंस को, उन सभी चीजों को देखने की जो मेरी माँ से बिलोंग करते थे, जो उस एड्रेस पर थे। आई वॉन्टेड टू सी देम, टच, रिमेम्बर। मैं उन सब चीजों को छूना चाहती थी, देखना चाहती थी, याद करना चाहती थी। आफ्टर माई फर्स्ट विजिट इन वेन टू मिसेज डॉले हाउस, आई डिसाइडेड टू ट्राई अ सेकेंड टाइम। पहली विजिट जो थी मेरी मिसेस डॉर्लिंग के घर, वो तो बेकार रही, व्यर्थ रही, लेकिन मैंने सोचा दूसरी बार पे ट्राई करना चाहिए। नाउ अ गर्ल ऑफ अबाउट 15 ओपन द डोर टू मी, आई आस्क्ड हर इफ हर मदर वाज एट होम। अब जब मैं दूसरी बार वहां पर गई तो एक 15 साल की लड़की ने, लगभग 15 साल की उम्र रही होगी उस लड़की की, दरवाजा खोला और मैंने उससे पूछा कि क्या उसकी मदर घर पर है। नो, शी सेड, माई मदर इज डूइंग एन एरंड। और उसने मुझे जवाब दिया कि नहीं, उसकी मदर किसी काम से बाहर गई है। एरंड मींस वर्क इन्वॉल्विंग गोइंग आउट ऑफ द हाउस, मतलब कुछ ऐसे ही काम, नॉर्मल काम, नॉट मच इम्पोर्टेंट, और लेकिन घर से बाहर जाकर किया हुआ। नो मैटर, आई सेड, आई विल वेट फॉर हर। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं उनका इंतजार करूंगा। आई फॉलोड द गर्ल अलॉन्ग द पैसेज, और मैंने उस लड़की का इंतजार, उसके पीछे पीछे मैं गई उसकी मदर का इंतजार करने के लिए। एन ओल्ड फैशन आयरन हनुका कैंडल होल्डर हंग नेक्स्ट टू अ मिरर। मैंने देखा वहां वॉल पर मिरर के पास एक हनुका टंगा हुआ था। यू कैन सी आई हैव पेस्टेड अ पिक्चर ऑफ हनुका देयर। हनुका होता क्या है कि जब ये लाइट फेस्टिवल्स होते हैं, ये हिब्रू फेस्टिवल होता है लाइट्स का, तो वहां पर इसमें कैंडल्स लगाई जाती हैं। तो यू कैन सी कुछ ऐसा सा होता है वो। वी नेवर यूज्ड इट बिकॉज इट वॉज मच मोर कंबर्सम देन अ सिंगल कैंडल स्टिक। और हम लोग उसे कभी भी यूज नहीं किया था हमने, क्योंकि हमें लगता था कि वो ज्यादा कंबरसम है, मतलब अनमैनेजेबल है। शायद कैंडल स्टिक्स को मैनेज करना आसान है, लेकिन हनुका पर कैंडल स्टिक्स लगाकर उसको मैनेज करना मुश्किल था। तो कभी हमने कोशिश ही नहीं की उसको यूज करने की। वोंट यू सिट डाउन, आस्क्ड द गर्ल, लड़की ने पूछा आप बैठेंगी नहीं। शी हैड ओपन द डोर ऑफ द लिविंग रूम एंड आई वेंट इनसाइड पास्ट हर। उसने अपना लिविंग रूम का दरवाजा खोला और मैं उसके पीछे पीछे अंदर चली गई। I stopped horrified, और अंदर जाते ही मैं रुक गई और मैं डर गई। I was in a room I knew and did not know. मैं एक ऐसे कमरे में थी जिसे मैं जानती भी थी और नहीं भी जानती थी। I found myself in the midst of things I did want to see again. मैंने अपने आप को ऐसी चीजों के बीच में पाया जिन चीजों को मैं देखना चाहती थी दोबारा से, but which oppressed me in the strange atmosphere. लेकिन उन चीजों को मैंने एक ऐसे एटमॉस्फेयर में पाया जिन्होंने मुझे सैड कर दिया, ऑप्रेस में यहाँ पर दुखी कर दिया से। और बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वे एवरीथिंग वाज अरेंज्ड, या फिर वो तरीका जिस तरीके से वो वहां पर सारी चीजें अरेंज की गई थी रूम में, वो बड़ा टेस्टलेस वे था, कोई इंटीरियर नहीं था वहां का। बिकॉज ऑफ द अगली फर्नीचर और द मगी स्मेल दैट हंग देयर, या फिर वो फर्नीचर था जो कि बड़ा ही भद्दा था इतनी सारी अच्छी चीजों के साथ, या फिर जो मगे स्मेल, मतलब ह्यूमिड सीलन की जो स्मेल आ रही थी वहां, उस वजह से। आई डोंट नो, पता नहीं क्या था, बट आई स्कार्सली डेयर टू लुक अराउंड मी, लेकिन मुझे डर लग रहा था, मैं बड़ी मुश्किल से ही इधर उधर देख पा रही थी। द गर्ल मूव द चेयर, उसने चेयर मूव की। आई सेट डाउन एंड स्टेयर एट द वुलन टेबल क्लॉथ, मैं उस पर बैठ गई और फिर मैं उस वुलन टेबल क्लॉथ को देखने लगी जो उस टेबल पर था। आई रब्ड इट, मैंने उसे रब किया। माय फिंगर्स ग्रू वार्म फ्रॉम रबिंग, और मेरी उंगलियां गर्म हो गई उसको रब करने के बाद। आई फॉलोड द लाइंस ऑफ द पैटर्न, और फिर मैंने वो जो डिजाइन उस पर बना हुआ था मैंने उसको फॉलो किया, क्योंकि अब यहाँ पर इनको पता था कि ये जो टेबल क्लॉथ है वो भी उन्हीं को बिलोंग करता है। Somewhere on the edge there should be a burn mark that had never been repaired. क्योंकि यही कहीं पर एक ऐसा burn mark होना चाहिए था जिसे कि कभी repair नहीं किया गया था। My mother will be back soon, said the girl. लड़की ने कहा मेरी माँ जल्दी ही आ जाएंगी। I have already made tea for her. Will you have a cup? और मैंने कहा, उसने कहा कि वो जल्दी आएंगी तो मैंने उनके लिए चाय रेडी कर रखी है, क्या आप भी लेंगी? तो मैंने कहा थैंक यू। I looked up, the girl put cups ready on the tea table. और फिर मैंने ऊपर देखा, उस लड़की ने जो है टी टेबल रेडी कर रखी थी, कप्स थे वहां रखे हुए थे। She had a broad back, just like her mother. और वो भी पीछे से देखने पर अपनी माँ जैसी लग रही थी।
She poured tea from a white pot. उसने एक सफेद रंग के पॉट से टी पॉट से इसमें चाय डाला कप में. All it had was a gold border on the lid. I remembered. और मुझे याद था कि इसके इस टी पॉट के बॉर्डर उसके लिड पर भी ढक्कन पर भी एक गोल्ड बॉर्डर होना चाहिए. She opened a box and took some spoons out. और फिर उसने बॉक्स ओपन किया और वहां से कुछ स्पून्स निकाले. That's a nice box. I heard my own voice. It was a strange voice. As though each sound was different in this. तभी मैंने उसको बोला कि अरे ये तो एक बहुत अच्छा बॉक्स है. और मैंने जब अपनी ही आवाज सुनी तो मुझे अपनी आवाज बड़ी अजीब लगी. क्यों? क्योंकि उस कमरे में मुझे हर एक चीज अजीब लग रही थी, यहाँ तक कि मेरी अपनी खुद की वॉइस भी. Oh, you know about that? She had turned round and brought me my tea. और फिर वो टर्न हुई, उसने कहा चाय लाते हुए मेरी तरफ, अच्छा आप जानती है इस बॉक्स के बारे में? She laughed और वो हंस के कहने लगी. My mother says it's antique. We have got lots more. उसने कहा कि मेरी माँ कहती है कि ये एंटीक है. ऐसे हमारे पास एंटीक चीजें बहुत सारी हैं. She pointed round the room, see for yourself. और फिर उसने चारों तरफ उंगली घुमाकर दिखाया और कहा कि तुम अपने आप देख सकती हो. I had no need to follow her hand. मुझे उसके हाथ को फॉलो करने की जरूरत नहीं थी. I knew which things she meant. मुझे पता था वो कौन सी चीजों की बात कर रही थी. क्यों? क्योंकि सारी चीजें बिलोंग करती थी उसकी मदर से, उन्हीं के था वो सारा सामान. I just looked at the still life over the tea table. और मैं वहाँ टी टेबल पर बनी उस पेंटिंग को देख रही हूँ. स्टिल लाइफ क्या होता है? इट्स अ पेंटिंग ऑफ एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स और फ्रूट्स जो कि टेबल पे रखा होता है. तो कहते हैं मैं सिर्फ उस स्टिल लाइफ को देख रही थी जो टी टेबल पर था. एज अ चाइल्ड आई हैड ऑलवेज फैंसीड द एप्पल ऑन द प्यूनर टेबल. क्योंकि हमेशा जब मैं बच्ची थी तो मेरी फैंटेसी रही थी कि फैंसीड मतलब मुझे अच्छा लग रहा था. मेरी डिजायरस थी कि मुझे एप्पल दिया जाए वो भी एक प्यूटर टेबल पर. प्यूटर क्या होता है? इट्स अ यू नो इट्स अ अलॉय, ग्रे अलॉय ऑफ टिन. आप यह पिक्चर देख सकते हैं, दिस इज प्यूटर प्लेट. तो उसकी हमेशा से ही इच्छा थी कि वो ऐसे प्यूटर प्लेट पर एप्पल खाए. वी यूज इट फॉर एवरीथिंग शी सेड. वंस वी इवन एट ऑफ द प्लेट्स हैंगिंग देयर ऑन द वॉल. आई वांटेड टू सो मच बट इट वाजंट एनीथिंग स्पेशल. और फिर उसने आगे बोलना जारी रखा लड़की ने कि ये जो चीजें हैं हमने हर एक चीज यूज की है हर चीज के लिए. एक बार हमने उन प्लेट्स पर भी खाया था, उन दीवारों पर टंगी हुई है, मींस एंटिक प्लेट्स. क्योंकि मेरी बहुत इच्छा थी उस एंटिक प्लेट में खाने की, लेकिन वहां कुछ ऐसा अलग नहीं था उनमें खाने पर भी. बिल्कुल नॉर्मल जैसे प्लेट में खाते हैं वैसा ही लगा. आई हैड फाउंड द बर्न मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ. और इतने में ही मुझे टेबल क्लॉथ पर वो बर्न मार्क मिल गया था जिसे मैं ढूंढ रही थी. The girl looked questioningly at me. और उस लड़की ने बड़े ही questioningly मतलब आश्चर्यजनक तरीके से मेरी तरफ देखा. Yes, I said, you get so used to touching all these lovely things in the house, you hardly look at them anymore. You only notice when something is missing because it has to be repaired or because you have lent it, for example. अब वो यहाँ कहती है राइटर उसको कि हाँ बिल्कुल कुछ अलग नहीं लगता क्योंकि जब आप ऐसी चीजों को जो आपके पास है और वो आपके फेमिलियर हो और उनको टच करने के लिए इन खूबसूरत चीजों को आप बड़े यूज टू हो गए हो तो आप उन सब चीजों की तरफ कम ही ध्यान देते हैं. और उनकी तरफ आप तभी ध्यान देते हैं या तो कुछ मिसिंग हो गया हो या फिर कुछ रिपेयर के लिए गया हो या कोई आपसे उधार लेकर चला गया उस चीज को, फॉर एग्जाम्पल किसी को दे दी गई हो. तो यहाँ पर वो इनडायरेक्टली उसको बात बताना चाहती है. अगेन आई हर्ड द अननेचुरल साउंड ऑफ माई वॉइस एंड आई वेंट ऑन. और अगेन मुझे मेरी आवाज कुछ अजीब सी सुनाई दी लेकिन मैं बोलती रही. आई रिमेम्बर माई मदर वंस आस्क्ड मी इफ आई वुड हेल्प हर पॉलिश द सिल्वर. इट वॉज अ वेरी लॉन्ग टाइम अगो एंड आई वॉज प्रोबेबली बोर्ड दैट डे और एट होम बिकॉज आई वॉज इल एंड शी हैड नेवर आस्क्ड मी बिफोर. कहती है मुझे याद है मेरी माँ ने एक बार मुझे कहा था कि वो इन सारे सिल्वर को पॉलिश करने में मेरी मदद करे. अब सिल्वर से यहाँ मतलब है ये कटलरी जिसके बारे में उन्होंने पहले भी बात किया था, आप देख सकते हैं पिक्चर में. क्योंकि ये चांदी की थी तो उसको पॉलिश करने की जरूरत थी. बहुत समय पहले की बात है और मैं घर पर बोर हो रही थी, शायद उस दिन मैं बीमार थी इसलिए घर से बाहर नहीं गई थी. और ऐसा उन्होंने मुझसे उस दिन से पहले कभी भी नहीं कहा था पॉलिश करने के लिए. आई आस्क्ड हर व्हिच सिल्वर शी मेंट एंड शी रिप्लाइड सरप्राइज्ड. और जब मैंने उनसे पूछा कि कौन सी चांदी की बात कर रही हैं आप तो बड़ी सरप्राइज्ड हुई और उन्होंने रिप्लाई किया था मुझे दैट इट वाज द स्पून्स फॉक्स एंड नाइफ्स ऑफ कॉक्स. और वो बात कर रही थी स्पून्स की, फॉक्स की, नाइफ्स की और किसकी.
And that was a strange thing. I didn't know the cutlery we ate off every day was silver. और तब वो दिन था जब जाके मुझे पता चला था कि रोजमर्रा की जिंदगी में जिसमें हम खाना खाते हैं, जिस कटलरी को हम यूज करते हैं, वो सब कुछ सिल्वर की थी. The girl laughed again. और वो लड़की दोबारा जोर से हंसी. I bet you don't know it is either. I looked intently at her. What we eat with? She asked. और फिर मैंने उसकी तरफ intently बड़ा questioningly मैंने भी उससे पूछा कि मुझे पक्का भरोसा है, मैं शर्त लगा सकती हूँ कि तुम्हें भी नहीं पता होगी कि ये सब सिल्वर है. फिर उस लड़की ने क्वेश्चन पूछा, क्या जिसमें हम खाना खाते हैं वो सब? Well, do you know? हाँ, क्या तुम्हें पता है? She hesitated. वो थोड़ा सा हिचकिचाई. She walked to the sideboard and wanted to open a drawer. और वो sideboard की तरफ गई चलकर और एक drawer खोलना चाहती थी. I will look. It's in here. कहती हाँ, मैं अभी देखती हूँ. वो यहीं पर है. I jumped up. I was forgetting the time. और तभी मैं एकदम अचानक खड़ी हुई क्योंकि मैं समय भूल रही थी. I must catch my train. और क्योंकि मुझे अपनी ट्रेन कैच करनी थी. She had her hand on the drawer. Don't you want to wait for my mother? और अभी उसने अपना हाथ से ड्रॉअर पर रखा ही था, खोला नहीं था. क्या तुम मेरी मदर से नहीं मिलना चाहोगी? उसने पूछा. No, I must go. नहीं, मुझे जाना होगा. I walked to the door. The girl pulled the drawer open. I can't find my own thing. और मैं दरवाजे की तरफ चल दी. उस लड़की ने वो ड्रॉअर ओपन किया और मैंने अपने आप से कहा, मैं अपना रास्ता खुद ढूंढ लूंगी अब. As I walked down the passage, I heard the jingling of spoons and forks. और जब मैं उस पैसेज से बाहर की तरफ आ रही थी उनके घर से, तो मैं जिंगलिंग सुन सकती थी स्पून्स और फॉक्स की, मतलब उनकी खड़खड़ाने की आवाज. At the corner of the road, I looked up at the name plate, Marconi Street itself. और कॉर्नर पर खड़े होकर उस रोड की मैंने उस नंबर प्लेट की तरफ देखा था जिसके लिखा मार्कोनी स्ट्रीट, वो एड्रेस था. I had been at number 46. हाँ, मैं नंबर 46 पर ही थी. The address was correct. But now I didn't want to remember it anymore. हाँ, एड्रेस ठीक था, लेकिन मैं अब इस एड्रेस को और याद रखना नहीं चाहती थी. I wouldn't go back there because the objects that are linked in your memory with the familiar life of former times instantly lose their value. When served from them, you see them again in strange surroundings. अब वो कहते हैं कि मैं ये एड्रेस भूल जाना चाहती हूँ और मैं इसे याद रखना नहीं चाहती क्योंकि मैं कभी भी वापस नहीं आऊंगी यहाँ पर. क्यों? क्योंकि वो ऑब्जेक्ट्स जो आपकी मेमोरी से जुड़े हुए होते हैं, जो आपको अपनी फेमिलियर लाइफ की, आपकी पुरानी जिंदगी की याद दिलाते हैं, वो अचानक से ही अपनी वैल्यू खो देते हैं. सैविट, सैविट मीन्स कट ऑफ, मतलब वो अपनी इंपॉर्टेंस खो देते हैं, अलग कर देते हैं अपने आप को, उन चीजों को अपने आप से, जब आप उन्हें स्ट्रेंज सराउंडिंग्स में, अजीब से एटमोसफेयर में देखते हैं. And what should I have done with them in a small rented room where the shreds of the blackout paper still hung along the windows and no more than a handful of cutlery fitted in the narrow table drawer? कहती और वैसे भी मुझे करना ही क्या था, मुझे इन चीजों की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि मैं अब एक छोटे से स्मॉल यानी रेंटेड हाउस में रूम में रहती थी जहां पर खिड़कियों पर अभी भी फटे हुए कुछ ब्लैकआउट पेपर है. आप ये देख सकते हैं, यहाँ मैंने एक पिक्चर लगाई है. ये ब्लैकआउट पेपर इन द सेंस की जब ड्यूरिंग वॉर क्या होता है कि खिड़कियों को कवर कर दिया जाता है पेपर से, ताकि अगर आपने रात को लाइट्स ऑन की हैं तो वहाँ लाइट्स ऑन बाहर से ऊपर से ना दिखें, जिससे आपके ऊपर हवाई अटैक ना हो सके. तो एयर अटैक से बचने के लिए जो जितनी भी विंडोज होती हैं उनको पेपर से कवर कर दिया जाता है. तो वो कहते हैं कि मेरे विंडोज पर अभी भी वो पेपर्स कहीं कहीं टंगे हुए हैं और मुझे ये सिर्फ एक हैंडफुल, थोड़ी सी कटलरी की जरूरत है जो कि मेरी छोटी सी टेबल के ड्रॉअर में फिट हो सकती है, क्योंकि रेंटेड रूम है तो किचन भी छोटी है, किचन छोटी है तो वो टेबल ड्रॉअर भी छोटी है. I resolved to forget the address. और मैंने अभी डिसाइड कर लिया था कि मैं उस एड्रेस को भूल जाऊंगी. Of all the things I had to forget, that would be easiest. क्योंकि मुझे अब इन सब चीजों को भूलना होगा, यही आसान रहेगा. क्योंकि अगर मैं इन चीजों को याद रखूंगी तो उसका कोई फायदा नहीं होगा. एट द एंड वो अपने आप को समझा रही हैं कि ऐसी चीजों का कोई भी फायदा नहीं, क्योंकि वैसे भी वो उन चीजों को लेने नहीं आई थी, सिर्फ एक बार देखने आई थी. लेकिन जिस सराउंडिंग्स में उन्हें पाया और जैसा कि उन्होंने मिसेस डॉर्लिंग के बिहेवियर से ऑब्जर्व किया कि वो चीजें उन्हें वापस करना ही नहीं चाहती, तो उन्होंने उन चीजों को अपने आप से अलग रखने का ही डिसाइड किया. यहाँ कुछ वैल्यूज हैं जो हमने इस चैप्टर में लर्न की है. वो है कि टू बी ऑप्टिमिस्टिक इन लाइफ, कि अगर वॉर है और अगर उसमें आपका बहुत नुकसान हो चुका है, बिकॉज वॉर्स आर हार्मफुल फॉर एवरीवन, तो आपने अपना जिंदगी में ऑप्टिमिज्म नहीं खोल
खोना है, आपको होपफुल रहना है. टू बी एबल टू डिटैच वन सेल्फ फ्रॉम द पास्ट इफ इट एड्स टू इमोशनल टर्मोइल. अगर ऐसी कोई चीज पास्ट की जो आपके प्रेजेंट को या फ्यूचर को इमोशनली टर्मोइल, इमोशनल टर्मोइल में उथल पुथल मचा देती है आपकी जिंदगी में, तो उससे अपने आप को अलग करना ही ठीक हो. टू अपहोल्ड ह्यूमन वैल्यूज, और ह्यूमन वैल्यूज को संभाल कर रखना चाहिए. जैसे कि एक अनएथिकल बिहेवियर यहाँ पर मिसेस डॉलिंग का दिखाया कि नरेटर की मदर ने, मिसेस एस ने अपना समझकर उनको वो सारी चीजें रखने के लिए दी, टेक केयर करने के लिए दी, लेकिन उन्होंने क्या किया, उस पर अपना कब्जा कर लिया, उस पर अपना पोजेशन जमा लिया, और मोर ओवर वो उसको चीजों को वापस करने के लिए रेडी नहीं थे. और वॉर्स हार्म एवरीवन, ये तो मेन है कि वॉर से किसी का भी फायदा नहीं होता. ठीक है, अनएथिकल बिहेवियर जो हमारी ह्यूमन वैल्यूज हैं उनको सबको हमें रखना चाहिए. तो दिस इज ऑल व्हाट आई हैव टू एक्सप्लेन रिगार्डिंग दिस चैप्टर. आई होप यू अंडरस्टैंड. और ऐसे ही मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए, कमेंट्स करते रहिए. आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू पीपल. थैंक यू.